हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है प्राइम बुक के बारे में। प्राइम बुक एक न्यू एक लैपटॉप आने वाला है मार्केट में, जो कि फ्लिपकार्ट पर लिस्ट हो गया है। इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे किस टाइप से लैपटॉप होने वाला है और क्या इसके स्पेशल फीचर्स हैं, क्या इसकी प्राइसिंग होगी, कब ये इंडिया में आपको देखने को मिल सकता है, किन लोगों के लिए लैपटॉप बना हुआ है, सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में। चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है अभी। दोस्तों ये कमर्शियली तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी फ्लिपकार्ट पर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट पर ऑलरेडी ये लिस्ट हो चुका है। तो अब मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ किस टाइप से लैपटॉप होने वाला है। तो दोस्तों ये तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी, इस टाइप से कुछ ही लैपटॉप आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली आप देख सकते हैं एक नॉर्मल ट्रेडिशनल सा लैपटॉप देखने में लग रहा है, और लेकिन देखने में काफी ज्यादा एक मैं बोलूंगा सिंपल सा लुक है, जो कि काफी क्लीन एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने में लग रहा है कि काफी क्लीन ये लैपटॉप होने वाला है ओवरऑल। बाकी दोस्तों इसका जो इंटरेस्टिंग चीज है वो इसका जो है प्राइम बुक का प्राइम ओएस। अब दोस्तों ये कैसा होने वाला है, सबसे इंटरेस्टिंग फीचर ये है इसका कि किस टाइप से इसमें फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों प्राइम ओएस बेसिकली जो करंटली मैं ये लैपटॉप यूज कर रहा हूँ अभी, जैसे जिसकी आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा कोई मेजर चेंजेस होने वाले नहीं है। ये क्रोम ओएस जो है उसी का एक तरह से मैं बोलूंगा कि प्रोटोटाइप देखने को मिलता है। माइनर से चेंजेस कर यहाँ पर दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको 4G का स्लॉट देखने को मिल जाएगा, सिम लगाकर इस तरीके से लैपटॉप में यूज कर सकते हैं। बाकी जो दोस्तों टिपिकल इंटरफेस देखने को मिला कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको अभी फिलहाल स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है क्रोम बुक का। यहाँ पर इस टाइप से आपको एंड्रॉइड की एप्स वर्क करती हुई दिखाई दे जाएंगी इस लैपटॉप के अंदर, प्राइम बुक के अंदर। और यहाँ पर आप अपनी जो भी एप्स वगैरह हैं वो डाउनलोड कर सकेंगे प्ले स्टोर से, और यहाँ पर इस टाइप से ये सारी चीजें दिखाई देंगी आपको। उसका इंटरफेस भी ऑलमोस्ट इसके जैसे सिमिलर होगा जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर आपको एंड्रॉइड जैसी सेटिंग्स भी देखने को मिल जाएंगी। तो ये लैपटॉप उन लोगों के लिए फोकस किया गया है जो कि दोस्तों स्टूडेंट है, जिनका ऑनलाइन क्लासेस का काम होता है, और वो अपने जो फॉर एग्जाम्पल स्कूल के कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना चाहते हैं, बेसिक जो काम होता है बेसिकली। तो स्टूडेंट्स को फोकस करके, या फिर जो लोग कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पीडीएफ नोट्स वगैरह पढ़ सकें, इसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकें, अपनी जूम वगैरह की कुछ कॉल्स मीटिंग्स हो तो वो सब कर सकें, तो उनके लिए बेसिकली लैपटॉप बनाया गया है। इस टाइप से कुछ यहाँ पर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। ये एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्रोम ओएस का बिल्कुल प्रोटोटाइप होने वाला है, तो इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस टाइप से कुछ यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ये जो मैं करंटली यूज कर रहा हूँ इसको गूगल पावर करता है गूगल के क्रोम ओएस द्वारा, ऐसा ही प्राइम बुक होने वाला है। अब दोस्तों मैंने आपको इस टाइप से यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह दिखा दी, किस टाइप से यहाँ पर एंड्रॉइड एप्स के बेस पे ये चलेगा लैपटॉप। अब मैं आपको एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे फिर से ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस टाइप से इन्होंने दिखा रखा है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं पहले इन लोगों ने इसका फोटो डाल रखा है। ये प्रोडक्ट जो है दोस्तों जैसे कि यहाँ पर मेंशन भी है, और काफी ज्यादा अगर आप शार्क टैंक वगैरह देखा हुआ है तो वहां पर ये शार्क टैंक ने इसको एक तरह से फंड किया है, तो उससे ये अब मार्केट में बहुत जल्दी आने वाला है। फ्लिपकार्ट पर एक्सक्लूसिवली ये आएगा, जहां से आप इसको परचेज कर पाएंगे। अभी मैं आपको इसकी प्राइसिंग भी बताऊंगा, एक बार मैं आपको नीचे की साइड दिखा दूं। तो देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अभी लैपटॉप दिखाया जिसमें करंटली ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वैसा ही कुछ ये लैपटॉप होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की साइड जो एप्स वगैरह है वो आपको देखने को मिल रही है। नॉर्मल जो एप्स हम यूज करते हैं वही सब यहाँ पर चल जाएंगी, व्हाट्सएप और क्रोम, जहाँ पर आप मल्टीपल टैब्स वगैरह खोल सकते हैं। और ये जो i3 वाले लैपटॉप आते हैं ना कहीं उनसे बेटर परफॉर्म कर जाते हैं। क्रोम, अगर आप क्रोम का आपका काम होता है, क्रोम के अंदर सारी चीजें आप टैब्स वगैरह ओपन करते हैं, उनसे बेहतर ये ओपन कर देते हैं कहीं ना कहीं, तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है। बाकी जैसे कि यहाँ पर प्राइम बुक 4G लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली एक सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप इस तरीके से इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। तो जो लोग दूर दराज गाँव में रहते हैं उनके लिए काफी अच्छी एक सुविधा वाली चीज होगी, क्योंकि जो बेसिकली जो ये क्रोम ओएस आता है इसके अंदर आपको वाईफाई ओनली की सुविधा देखने को मिलती है, 4G का स्लॉट नहीं देखने को मिलता। तो ये एक एज देखने को मिल जाएगा प्राइम बुक के अंदर। इस टाइप से देखिए 4G सिम कनेक्टिविटी इस टाइप से लिखा हुआ है। यहाँ पर वीडियो कॉल्स वगैरह कर पाएंगे, जैसे मैंने इंटरफेस दिखाया नीचे की साइड, यहाँ पर बैक वगैरह का बटन देखने को मिल जाएगा। प्रॉपर एक फंक्शनल कीबोर्ड देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से आप टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों ये मीडियाटेक का चिपसेट होने वाला है। अब दोस्तों ये मीडियाटेक का चिपसेट ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे, जो लोग थोड़े से नॉलेज रखते हैं कि मीडियाटेक खराब होता है, मीडियाटेक आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। जो करंटली मैं एक क्रोमबुक भी यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर मीडियाटेक का कंपेनियन प्रोसेसर लगा हुआ है, ये मल्टीपल एप्स को हैंडल कर लेता है, और बिल्कुल आपको फ्लोलेस एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। बैटरी लाइफ भी आप मान के चलिए 7 से 8 घंटे चल जाती है, तो सेम चीज यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। जैसे कि क्रोम बुक्स में मैंने बताया एक तरह से प्रोटोटाइप भी देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी आपको मीडियाटेक का चिपसेट इन लोगों ने ऑफर करेंगे, तो जिससे आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। जनरली इंटेल के प्रोसेसर के साथ दिक्कत यह आती है कि वहां पर जब मल्टीपल टैब्स ओपन करते हैं तब वो प्रोसेसर एक तरह से लैग करने लगते हैं, यहाँ पर ये चीज मीडियाटेक के साथ नहीं देखने को मिलेगी। साथ में बैटरी लाइफ का भी काफी अच्छा यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा।
सिक्योरिटी वगैरह इन्होंने लिखा हुआ है कि इन्होंने काफ़ी अच्छी यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह इस लैपटॉप के अंदर ही प्रोवाइड कराएंगे है, जो ये बेसिकली जैसे कि मैंने बताया स्टूडेंट को टारगेट करके बनाया गया है। तो ये सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, पेरेंटल कंट्रोल कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कितना देखे वो, ब्राउजिंग सेफ ब्राउजिंग, कोई मतलब अश्लील कंटेंट वगैरह डायरेक्ट आपके गूगल वाली फीड पर ना दिखाई दे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। हिस्ट्री की जो हिस्ट्री वगैरह है वो सारे पेरेंट्स देख सकते हैं। तो ये एक तरह से बच्चों को अगर आपको देना है उनके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है। नीचे की साइड इन्होंने प्राइम ओएस का इस टाइप से कुछ प्रोटोटाइप दिखा रखा है, जैसे कि मैंने बताया सेम क्रोम ओएस का एक तरह से रेप्लिका ही समझ लीजिए, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप गेम्स खेले खेल पा रहे हैं, लेकिन ये यूनिक फीचर होने वाला है वैसे इसका कि गेम्स किस टाइप से वर्क करेंगे, क्योंकि जनरली क्रोम ओएस के अंदर भी गेम्स वगैरह इतने अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, देखते हैं आने वाले टाइम में। बाकी दोस्तों इस टाइप से आप यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले पाएंगे, दिखाए रखा है ये चीज। एंड्रॉइड 11 पर ही बेस्ड है, काफी अच्छी चीज है, आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड सिस्टम देखने को मिलेगा, तो ऐप्स वगैरह सारी वर्क कर जाएंगी, जो भी कोचिंग्स वगैरह की ऐप होती हैं वो सब लैग वगैरह नहीं करेंगी ज़्यादा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर एंड्रॉइड बेस्ड डेस्कटॉप इंटरफेस जैसे लिखा हुआ है, तो वही सेम चीज़ होने वाली है जैसे कि मैंने आपको बताया। इस टाइप से दोस्तों ये लैपटॉप होने वाला है। अब इसकी प्राइसिंग की बात करूँ और कहाँ से आप इसको परचेज कर पाएंगे, ये दोस्तों अभी करंटली फ्लिपकार्ट पर लिस्ट हो गया है और ऐसा बताया जा रहा है इसकी प्राइस अप्रोक्स आपको 15,000 रुपीज़ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशन भी यही सिमिलर आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं 11.6 इंचज़ की यहाँ पर एच डी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 1.2 kg का यहाँ पर वेट होगा, 2 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा, 4 GB की रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज होने वाली है, 10 आवर्स तक की यहाँ पर आपको बैटरी लाइफ का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल काफी एक इंटरेस्टिंग सा पैकेज होने वाला है लैपटॉप का। अगर इसकी प्राइसिंग दोस्तों जैसे कि बताया जा रहा है 15,000 रुपीज़ है, तो यार स्टूडेंट्स के लिए जैसे कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं स्पेशली टारगेट किया जा रहा है, ये काफ़ी बढ़िया लैपटॉप हो सकता है, क्योंकि जो कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं बीटेक वगैरह कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट तो थोड़ी अलग होती है, लेकिन जो जनरल एक स्टूडेंट है, कोई भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट है या फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उनके लिए लैपटॉप मैं बोलूंगा काफ़ी एक बढ़िया चॉइस हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेड इन इंडिया है तो इस बात में हमें प्राउड भी होना चाहिए। अभी ये बहुत जल्दी आपको फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल जाएगा, 15,000 रुपीज़ के अप्रोक्स इसकी प्राइस होने वाली है। जैसे ही लॉन्च होगा मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा, फिलहाल मेरा काम था आपको इंट्रोड्यूस कराना न्यू प्राइम बुक से। आई होप करंटली वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद है तो प्लीज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।